हूँ आप सभी के साथ शिवानी अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट आपकी सेहत आपकी पूंजी में। कोरोना संक्रमण से जूझ रहा भारत के लिए अब बर्ड फ्लू एक नया खौफ बनकर के उभरा है। जी हाँ, बर्ड फ्लू जो है वो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि H5N1 की वजह से होता है। ये वायरस जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जो संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले अन्य पक्षियों, जानवरों और इंसानों में फैलता है। कई देश के राज्यों में बर्ड फ्लू के कारण पक्षियों की मौत दिखी गई है, जिसके बाद से अब सरकारें अलर्ट हो चुकी है। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये बर्ड फ्लू है क्या, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं ये तमाम बातें। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि H5N1 की वजह से होता है, जो बेहद संक्रामक और कोरोना की तुलना में ज़्यादा घातक बताया जाता है। इन्फ्लुएंजा के 11 वायरस हैं जो इंसानों को संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन इनमें से भी सिर्फ 5 ऐसे वायरस हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। ये वायरस H5N1, H7N3, H7N7, H7N9 और H9N2 है। बर्ड फ्लू पक्षियों के जरिए इंसानों में फैलता है। इस वायरस में सबसे ज़्यादा खतरनाक है H5N1 बर्ड फ्लू वायरस, क्योंकि इसकी वजह से संक्रमित लोगों में से आधे से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। बर्ड फ्लू नाम की बीमारी संक्रमित पक्षी के मल, नाक के स्राव, मुंह के लार या आंखों से निकलने वाली पानी के संपर्क में आने से फैलती है। इसके अलावा संक्रमित जगहों को छूने, संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने, कच्चा या अधपका मुर्गा अंडा खाने वाले या संक्रमित मरीजों की देखभाल करने वाले लोगों को बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ सकता है। यह वायरस संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले जानवर और मनुष्यों में आसानी से फैल जाता है। यह वायरस इतना खतरनाक है कि इससे मौत तक हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है। बर्ड फ्लू होने पर कफ, डायरिया, बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट दर्द, उल्टी, निमोनिया, गले में खराश, नाक बहना, बेचैनी, आंखों में इन्फेक्शन जैसी समस्या हो सकती है। बर्ड फ्लू से बचने के लिए विशेषज्ञ कई तरह की सावधानियां बरतने के लिए कह रहे हैं, जैसे कि हाथों को 15 सेकंड तक धोएं। अगर हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। छींकने के पहले या खांसने के पहले मुंह को अच्छी तरह से ढक लें। भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें और पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे लोग जो है वो डिस्पोजल ग्लव्स का इस्तेमाल करें और इसके साथ इस्तेमाल के बाद उसे नष्ट करें। तो आप भी इन तमाम सावधानियों को बरतें और अपने आप को सेहतमंद रखें और अपने परिवारजनों को बर्ड फ्लू से बचाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें SD न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक एंड फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।